मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ के लिए। पूरा क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस चलेगा। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आप लोग के लिए। ये बोर्ड के लिए भी होगा और नीट के लिए भी होगा। जो बच्चे नीट देना चाहते हैं, एम्स देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सिलेबस पूरा कवर अप होगा और ये बोर्ड के लिए भी होगा। मैं दोनों एक साथ लेकर चलूँगा। और भी बैचेज स्टार्ट होंगे जिसमें स्पेशली बोर्ड के लिए कुछ टिप्स बताया जाएगा। और ये है आपको मेनली मेडिकल कह सकते हैं, मेडिकल एंट्रेंस, लेकिन दोनों पढ़ेंगे साथ में। सिलेबस दोनों का एक ही है, हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे और दोनों के लिए सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, आप एक पेन और पेपर लेकर बैठिए, कुछ चीज़ों को आप उसमें नोट करते हुए चलेंगे। एक एक चीज़ मैं समझाता हुआ चलूँगा, बोर्ड पर लिखता हुआ चलूँगा, आप उसको समझते चलिए और लिखते चलिए। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे कि सर मुझे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा, उसमें आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप हैंड रिटन नोट्स चाहेंगे चैप्टर वाइज तो आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज आपको बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ के लिए। पहला चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आप फर्स्टली रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म समझेंगे, एकदम ईजी। देखो बच्चों, उसमें करना कुछ नहीं है। मैंने बार बार मैं बोलता हूँ कि आप टर्मिनोलॉजी को समझ जाओ, आपका काम हो गया, आपने बायोलॉजी पढ़ लिया। तो जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पहले उस चैप्टर का हम लोग प्लानिंग करेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। सिंपल वे में, आप जब भी कुछ वर्क करने जाते हो, आपको अपना घर बनाना है, तो उसके लिए पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। मतलब कि बहुत सारे रॉ मटेरियल को इकट्ठे करके और तब उसको हम स्ट्रक्चराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, तो आपका एक सुंदर सा बिल्डिंग बनता है। मैं भी वही करने वाला हूँ कि मैं आपको बहुत सारे टर्म को इकट्ठा करूँगा और उन टर्म को स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश करूँगा, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, उन सभी वर्ड को आप इकट्ठे कर लिए, आपका चैप्टर चुटकियों में तैयार हो गया। तो आइए हम देखते हैं चुटकियों में क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर इकट्ठा करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत बेसिक चैप्टर है, लेकिन याद रखना बच्चों, बेसिक करने का कतई मीनिंग ये नहीं होता है कि आप उसको इग्नोर करो। आप एक एक वर्ड पे ध्यान दो, यही चैप्टर आपको अगले दो चैप्टर क्या अगले तीन चार चैप्टर तो सर्वाइव कराएगा। आप अगर इस चैप्टर पे ध्यान देते हैं तो आपके नेक्स्ट दो चैप्टर जो हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये आपका क्रूशियल होगा। इसके बाद आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन बचा हुआ है, वो आपको समझ में आएगा। इसलिए बच्चों, आप इग्नोर करने की कोशिश नहीं करें, लेक्चर को भगा भगा के देखने की कोशिश नहीं करें, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। मैं ये वादा करता हूँ आपसे, आई प्रोमिस टू यू, कि ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी टर्म्स आई कैन क्लियर यू, बिकॉज आई मेनली फोकस ऑन द टर्म, बिकॉज आई नो टर्मिनोलॉजी इज बायोलॉजी। मैंने टॉपिक लिखा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बोला था कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, आप पहले उसके रॉ मटेरियल को इकट्ठा करो। चलो आते हैं मिलके, हम लोग रॉ मटेरियल स्टार्ट करते हैं। पहले हम रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। रॉ मटेरियल बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप ईंट, बालू, छर, गिट्टी लेने चलेंगे, नहीं। हमारा काम है इस चैप्टर के रॉ मटेरियल, मतलब हम एक स्टडी प्लान तैयार करेंगे, एक हम पाथवे तैयार करेंगे, एक इंटरलिंकिंग तैयार करेंगे कि कैसे इस चैप्टर को किसके बाद क्या पढ़ना है, या यूं कहो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या तैयार करेंगे, स्टडी प्लान तैयार करेंगे। आते हैं हम स्टडी प्लान पे। क्या होता है स्टडी प्लान देखेंगे बच्चों। पहले हम स्टडी प्लान तैयार करेंगे, गुड। अब इस स्टडी प्लान के अंदर
पहला टॉपिक तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन क्या है। किसी भी चीज़ में इंट्रोडक्शन के बाद अब आप इसमें पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन में बहुत सारा चीज़ मैं आपको पढ़ा दूंगा। इंट्रोडक्शन में लाइफ पढ़ा दूंगा, लाइफ स्पैन पढ़ा दूंगा, ऑर्गेनिज्म पढ़ा दूंगा, या यूँ छोटे छोटे मैं टॉपिक पूरे कवर अप करते चल रहा हूँ जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब चीज़ को। इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं लाइफ, लाइफ स्पैन के बारे में एंड ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं। जब इतनी बात हो जाएगी तो इनके हम डाइवर्सिटी के साथ इनके हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेंगे तो हो सकता है कि हम डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे इन बिटवीन, इन बिटवीन रिप्रोडक्शन टाइप्स, रिप्रोडक्शन टाइप्स में क्या डिफरेंसेज है उसकी बात करेंगे, जैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तीसरा, चौथा चीज़ हम पूरा का पूरा देखते हैं, हम पूरा का पूरा पूरा पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कैरेक्टर्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये स्टडी प्लान तैयार हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट चीज़ पढ़ोगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में आप क्या क्या पढ़ोगे ये ध्यान से सुनो। पहला टर्म मैं लिख रहा हूँ, जैसे यूनिसेक्सुअल वर्ड पढ़ोगे आप बाईसेक्सुअल वर्ड पढ़ोगे, दूसरा चीज़ आप मोनोसियस वर्ड पढ़ोगे, आप डायोसियस वर्ड पढ़ोगे, आप मेंसुअल साइकिल वर्ड पढ़ोगे, आप स्ट्रस साइकिल वर्ड पढ़ोगे, मेंसुअल साइकिल, स्ट्रस साइकिल, ये सब है। ठीक है, इसके अलावा आप हर्माफ्रोडाइटिक कंडीशन पढ़ोगे, हर्माफ्रोडाइट वर्ड पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर कुछ ऐसा टर्म रह जाता है तो मैं इसमें जैसे जैसे पढ़ाता चलूँगा सामने आता चलेगा और आप उसको कवर अप करते चलेंगे, लेकिन एक बार आप ज़रूर फोकस करेंगे सर। एक बार बच्चों ध्यान से सुनो, एक बार आप यहाँ पे देखेंगे स्टडी प्लान के अंदर इंट्रोडक्शन, लाइफ, लाइफ स्पैन एंड ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उनके बीच में क्या अंतर है, दो दो हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका डिफिनीशन क्या है, उसका फॉर्म्स कितने हैं और उसका इंपॉर्टेंस है, उसका कैरेक्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर भी पढ़ेंगे, एंड इट्स कैरेक्टर, और इसका कैरेक्टर भी हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर क्या है। ठीक है, इसके बाद कुछ टर्म्स हमको मिलेगा पढ़ने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेक्सुअल किसको कहते हैं, बाईसेक्सुअल किसको कहते हैं, मोनोशियस किसको कहते हैं, डायोसियस किसको कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रस साइकिल क्या होता है, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर बात समझ में आ रहा है तो यस और नो करो। चलिए आइए देखते हैं, हम आपने इंट्रोडक्शन की बात कहा कि इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में सुनो। हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आप ऑर्गेनिज्म की बात करो कि आपका ऑर्गेनिज्म क्या क्या है। अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म एक बॉडी होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होता है जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसका अपना कुछ सेप साइज स्ट्रक्चर होता है। लेकिन याद रखना कि ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, अगर हम ये बात करूं कि ऑर्गेनिज्म होते कितने हैं तो दो होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग की हम किसी तरह की बात नहीं करेंगे क्योंकि नॉन लिविंग कुछ कैरेक्टर को फॉलो करता है, मेन कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता है, इसलिए अब हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपना कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके बदौलत बॉडी का पूरा का पूरा बॉडी जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चराइज होता है, स्टैंड अप कंडीशन में आपको दिखता है इस अर्थ पे। लेकिन बॉडी का दिखना, बॉडी का रहना, ये जो बॉडी आपको दिख रहा है कि बॉडी इतने देर तक है, बॉडी इतने दिन तक है, ये बातें करना, ये बॉडी है, ये अगर हमको दिख रहा है तो आखिर ये बॉडी दिखना मतलब वो बॉडी है उतना देर है, मतलब कहीं ना कहीं आप टाइम की बातें कर रहे हो, और बड़ी होने का मतलब होता है कि लाइफ का होना, और लाइफ का मतलब होता है कि मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होना, वही लाइफ होता है। ठीक है,
और बातें करेंगे हम कि यहाँ पे आप बॉडी की बात करेंगे और जो भी बॉडी हैं लिविंग की मैं बातें कर रहा हूँ, लिविंग के पास अपना कुछ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, उनका कुछ रहने का, कुछ दिन तक रहने या कुछ जीवित रहने का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है। मतलब लाइफ के साथ साथ मैं आपको लाइफ पीरियड की बात कर रहा हूँ, लाइफ स्पैन की बात कर रहा हूँ। आप लाइफ स्पैन को देखोगे, लाइफ स्पैन जो है वो एक टाइम पीरियड है किसका, बर्थ से लेकर और किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल डेथ होने तक। बच्चों ध्यान से देखेंगे, मैं बातें कर रहा हूँ किसका, लाइफ स्पैन का। किसका बातें कर रहा हूँ, लाइफ स्पैन का बातें कर रहा हूँ। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। उतना दिन तक लाइफ रहा। एग्जाम्पल में ये समझना है कि जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट का अपना कुछ लाइफ होता है, ह्यूमंस हैं उनका कुछ अपना लाइफ होता है, डॉग हैं उनका है, आपको बनाना ट्री है उसका है, ठीक है, क्रोकोडाइल है उसका अपना लाइफ है, सबका अपना अपना कुछ कुछ मैं एग्जांपल दिया हूँ, बाकी आप याद करेंगे, ठीक है। एलिफेंट का देखा जाए तो 60 से 70 ईयर्स के आसपास एग्जांपल होता है, एक अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, फिक्स नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। ह्यूमन बींग्स 80 to 100 ईयर्स के आसपास होते हैं, ठीक है। अगर डॉग की बात किया जाए तो ये 8 से 12 ईयर्स तक होते हैं, अगर बनाना की बात किया जाए तो ये भी 20-25 साल तक हो सकते हैं, ठीक है, 20 ईयर्स के आसपास होते हैं, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। क्रोकोडाइल की बात किया जाए तो ये 200 साल तक रहते हैं, ठीक है। आपने टर्टवाइज की बात किया है 250 ईयर्स के आसपास, बहुत सारे प्लांट्स हैं, पैरट है, क्रो हैं, ठीक है, ये सब है, जैसे पैरट है 140 ईयर्स के आसपास रहते हैं, पैरट हैं, ठीक है, पैरट जो है पैरट है तो पैरट 140 ईयर्स के आसपास ये ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, बात करेंगे इसकी। अब आपने देखा कि कुछ खास ऑर्गेनिज्म उनके कुछ खास जीने का समय जो कि लाइफ स्पैन को डिफाइन करता है, तो इन सब को देखते हुए 3 पॉइंट निकल के आया। साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए 3 पॉइंट आया है हमारे सामने, और वो 3 पॉइंट में पहला नोट पॉइंट ये है, आप ध्यान देंगे बच्चों, ये नोट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, पहला नोट पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इमोर्टल है। नो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको छोड़कर कोई वैसे लिविंग नहीं है जो इमोर्टल हो, मतलब लंबे समय क्या, जो मरता नहीं हो उसको इमोर्टल कहते हैं, जो मर जाता हो उसको मोर्टल कहते हैं। हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब मोर्टल हैं। हम लोग का एक टाइम ख़त्म होने के बाद, एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद हमारी नेचुरल डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, ये सब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये सब डिवाइड होके अपने बॉडी को नए बॉडी में रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन वो कभी मरते नहीं हैं, इसलिए उनको इमोर्टल कहा जाता है। ये एक पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट, अगर इसी में दूसरा पॉइंट देखा जाए कि जो भी बॉडी की लाइफ स्पैन है उनके बॉडी साइज़ पे, मतलब बात करें लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड अपॉन बॉडी साइज़ के ऊपर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है, वो अपनी मर्जी से। हो सकता है कि एक छोटा सा बॉडी बहुत लंबे टाइम तक जिए और एक बड़ा सा बॉडी कम टाइम तक जिए। आपको एग्जांपल यहीं देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा बॉडी साइज पैरट बर्ड जो 140 ईयर्स के आसपास जीवित रह रहे हैं, लेकिन एक आपका 20 साल का है बॉडी वाला बॉडी एलिफेंट जो 60 to 70 ईयर्स 80 ईयर्स के आसपास जिंदा रह पा रहे हैं। तो ये आपका कुछ
लाइफ स्पैन की बात हुई। अब बात है कि रिप्रोडक्शन आखिर लाइफ है, वो लाइफ कुछ दिन तक चल रहा है। अब ये लाइफ स्पैन कितने पार्ट में डिवाइड हुए, जब ये पार्ट डिवाइड हुआ ना, तब ये टॉपिक खुल के आया कि हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ध्यान से समझना बच्चों, लाइफ स्पैन के अंदर डिवीज़न ऑफ लाइफ स्पैन, मैंने डिवाइड किया लाइफ स्पैन को, लाइफ स्पैन डिवाइडेड इनटू तीन चीज। पहला, लाइफ स्पैन का पहला पार्ट जो है, वो पहला पार्ट आपका है स्टार्टिंग फेज, जो एक तरह से जुवेनाइल फेज के नाम से जाना जाता है। आप डेवलप हो रहे हो, चाइल्डहुड से आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपका डेवलपिंग फेज है एक तरह का, ठीक है, एक तरह का जुवेनाइल फेज है। जब जुवेनाइल कंप्लीट होता है तो मैच्योरिटी फेज आता है, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। और जब रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होता है तो क्या आता है, ओल्ड, हमारा बॉडी एजिंग की तरफ जाता है, हमारा बॉडी कमज़ोर होता चला जाता है, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो पहला हमारा है जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। दूसरा देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव फेज, अगर तीसरा देखा जाए तो ओल्ड एज या सेंस फेज कहते हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। जुवेनाइल फेज, इसमें क्या होगा, बॉडी ग्रोथ आकर बॉडी ग्रोथ पाया जाएगा, सेल डिवाइड करके और बॉडी के शेप साइज बढ़ाने में हेल्प करेंगे, मतलब कि नॉर्मल सेल डिवीज़न मिलेगा, ठीक है, माइटोसिस टाइप का सेल डिवीज़न मिलके बॉडी के साइज़ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। रिप्रोडक्टिव की बात करें तो इसमें मियोसिस, अगर इसकी बात करें तो माइटोसिस, सेल डिवीज़न आकर, अगर इसकी बात करें इसमें बॉडी साइज या शेप इंक्रीज होगा। इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें रिप्रोडक्टिव फेज का, तो इसमें बॉडी बी मैच्योर, बॉडी मैच्योर होगा, या यूं कहें कि मियोसिस, सेल डिवीज़न आकर टू डेवलप गैमिट एंड, या टू डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड प्रोड्यूस गैमिट्स, ठीक है। और इसकी बात किया जाए तो बॉडी मेटाबॉलिज्म रिड्यूस, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट भी रिड्यूस होते हैं। एक ही बात हुआ दोनों की। तो ये हमारा लाइफ का फेज रहा कि लाइफ फेज के अंदर, लाइफ स्पैन के अंदर जितने दिन तक हम जीवित हैं, उतने दिन तक जो लाइफ हमारा चला, वो लाइफ किन किन स्टेज को कवर अप किया। हम लोग बर्थ लेते हैं, बर्थ के बाद हमारे बॉडी का सेल डिवाइड होता है, जिसमें बॉडी का नंबर बढ़ता है, सेल का नंबर बढ़ता है, सेल शेप साइज में बढ़ते हैं, जुवेनाइल फेज कहलाता है, बॉडी ग्रोथ करता है, उसमें बॉडी का शेप साइज बढ़ता है। जब बॉडी का शेप साइज बढ़ के सेल का नंबर उतना ऑक्यूपाई कर लिया, सेल अब मैच्योर होने को है, तो रिप्रोडक्टिव फेज आया, जिसमें बॉडी मैच्योर होता है, सेल डिवीज़न के द्वारा मियोसिस टाइप के सेल डिवीज़न होता है, ताकि उसमें गैमिट बन सके, तो गैमिट बनता है, तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं। जब रिप्रोडक्शन हो गया, हमारा बेबी प्रोड्यूस हो गया, हम उसको केयर करके उसको डेवलप कर दिए, इसके बाद हमारा बॉडी कमज़ोर होने लगता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी बॉडी फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे बॉडी ऑर्गन और फंक्शन सब कमज़ोर होने लगते हैं। ऑर्गन कमज़ोर होने लगे तो फंक्शन भी कमज़ोर होने लगे, धीरे धीरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होने लगता है। ये बात समझ में आ रही है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम आगे देखते हैं लाइफ स्पैन के अंदर तीन फेज जो आपने पढ़ा, जुवेनाइल,
रिप्रोडक्टिव और ओल्ड एज, जिसमें हमको अब पढ़ना है कौन सा फेज, हमको पढ़ना है रिप्रोडक्टिव फेज। विशेषकर हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अब चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब अब मैं बेसिकली रिप्रोडक्शन के ऊपर आता हूँ कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपने सुना कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक तरह का प्रोसेस है, सच अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस दियर ऑफ स्प्रिंग। ये कहा जा रहा है कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, जिनके पास करने की एबिलिटी है या कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब दुनिया में वो प्रोसेस जिसके द्वारा क्या हो, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता हो, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने में चाहे कुछ चीज़ों का ज़रूरत हो, कोई चीज़ इन्वॉल्व हो, हमारा बॉडी दो इन्वॉल्व हो, हमारा बॉडी एक इन्वॉल्व हो, डजेंट मैटर, बॉडी दो भी हो सकता है, बॉडी एक भी हो सकता है, कुछ सेल्स इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, कुछ सेल्स इन्वॉल्व नहीं भी हो सकते हैं। मैं आपको डिफिनेशन लिखता हूँ कि सच अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैन प्रोड्यूस दियर ऑफस्प्रिंग्स विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स इधर बाई सिंगल और डबल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स भी हो सकता है, डबल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि पहला तो ध्यान देना है कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा ध्यान देना है कि कैन प्रोड्यूस, तीसरा ध्यान देना है कि विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट्स और बाई सिंगल और डबल पेरेंट्स। 1, 2, 3, 4 चार आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है कि रिप्रोडक्शन कोई भी दुनिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कुछ नहीं भी करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कर सकते हैं, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं कर सकते, ठीक है? तो कोई भी कर सकता है, करता नहीं है, कर सकता है, ठीक है? इसके बाद अब उस रिप्रोडक्शन में करने में हो सकता है कि गैमिट जो हो वो गैमिट इन्वॉल्व भी हो सकता है कि गैमिट इन्वॉल्व नहीं भी हो, सिंगल पेरेंट के द्वारा भी हो जाता हो, डबल पेरेंट की भी ज़रूरत पड़ती हो। तो ये रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के डिफिनेशंस के बाद मैं आपको रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों कि रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे जो भी है लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान से, अगर आपको लाइट से नहीं भी दिख रहा हो तो ध्यान देंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ, ठीक है? आराम से समझ लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले तो रिप्रोडक्शन का पहला ही कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है कि ये कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन को हेल्प करता है, ये टू मेक कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, ये जनरेशन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा है कि इसमें गैमिट्स मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट, प्रेजेंट भी हो सकते हैं, अब्सेंट भी हो सकते हैं। तीसरा चीज, आइदर सिंगल और डबल पेरेंट्स रिक्वायर्ड, इसमें सिंगल पेरेंट्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं और डबल पेरेंट्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। चौथा चीज है कि रिप्रोडक्शन काउज कर सकता है, मे काउज, जरूरी नहीं कि काउज करेगा, क्या है,
मे काउज वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। ये वेरिएशन या इवोल्यूशन काउज कर सकता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। मैं पहला चीज लिखा टू मेक कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, ये कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन को बनाता है। या गैमिट इसमें रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, सिंगल पेरेंट या डबल पेरेंट्स भी हो सकता है। इसमें वेरिएशन काउज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इवोल्यूशन भी होगा उसके साथ साथ। मतलब कि इट इज सिंपल और कम्प्लेक्स बोथ प्रोसेस। ये सिंपल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर बात किया जाए कि इट इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये एक तरह का एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर और बात किया जाए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 नंबर कि इट हेल्प्स इन इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर के ट्रांसफ़र करने में, इनहेरिटेंस करने में हेल्प कर सकता है। और भी कुछ हो सकते हैं, मैं थोड़ा आपको ये समझाया कि रिप्रोडक्शन के पास क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। रिप्रोडक्शन ध्यान से सुनेंगे बच्चों एक एक चीज़ को। रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन मतलब रिप्रोडक्शन जब तक नहीं होगा, हमारी संतान, आपकी संतान, इस दुनिया के जितने भी लिविंग हैं सबके बेबी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे कैसे आएंगे जब तक मैं अपने जैसे बॉडी को प्रोड्यूस नहीं करूँगा। तो प्रोड्यूस करने वाली जो विधि होती है, प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है, वही तो रिप्रोडक्शन है। इसीलिए रिप्रोडक्शन जनरेशन को बनाए रखने में हेल्प कर रहा है। आखिरी रिप्रोडक्शन में गैमिट हो भी रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं हम अपने जैसे बॉडी को बनाने के लिए, तो उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल की ज़रूरत होती है या नहीं भी हो सकती है। जो हम स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू या बिना स्पेशलाइज्ड सेल के हम बॉडी बना रहे हैं, उस बनने के प्रोसेस हो सकता है छोटे समय में, हो सकता है आसानी से हो जाए, और कुछ वैसे हो जो कम्प्लेक्स हो, काफ़ी स्टेज को कवर अप करके तब जाकर वो कम्प्लीट हो। हो सकता है कुछ एनर्जी कम ले, हो सकता है कुछ एनर्जी ज़्यादा ले। इसके साथ साथ अगर हो सकता है कि मैं अपने जैसे बॉडी को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वो बॉडी मेरे जैसा 100-100% हो जाए, फोटोकॉपी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है तो वेरिएशन काउज नहीं हुआ। अगर ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी मेरे जैसा हो, नेचर उसका अलग हो, बॉडी नेचर में मेरे जैसा हो, बॉडी का रंग रूप अलग हो, तो वेरिएशन हुआ, और वेरिएशन हुआ तो इवोल्यूशन भी हुआ। हमारा कुछ कैरेक्टर उसमें गया और कुछ कैरेक्टर वो नया ऑब्टेन किया, तो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र हुआ, इनहेरिटेंस भी हुआ, और इस सब का कहीं ना कहीं श्रेय, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रोडक्शन के पास जाती है। रिप्रोडक्शन होती है तभी जाके ये सब कैरेक्टर फॉलो ऑफ होता है। कोई दिक्कत की नहीं को? आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, आप वहाँ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। बच्चों एकदम तैयार रहना है आपको, जितने देर तक लेक्चर देखना है उतने देर तक एक्टिव रहिए ना, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो। मैं वादा करता हूँ कि बायोलॉजी आपको चुटकियों में सिखाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ बनो, कंसंट्रेट हो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए एक प्रोसेस चलाया जा रहा है, तो वैसे ही आप भी लेक्चर को हमेशा अटेंड कीजिए और उसको देखिए, समझिए, किसी तरह का प्रॉब्लम है तो पूछिए। धीरे धीरे आपको जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं सारे के सारे समझ में आएंगे। मैं रिप्रोडक्शन के बेसिक के बाद मैं आप रिप्रोडक्शन के किस पे जाता हूँ, कुछ स्पेशल नोट्स फाइंड के जाता हूँ कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं। रिप्रोडक्शन ट्रांसफ़र तो करेक्टर का कर ही रहा है, अब जो है कि रिप्रोडक्शन किसी भी बॉडी में, आपने इतने करेक्टर देखा, अलग अलग तरह के वेरिएशन मिल भी रहा है नहीं भी मिल रहा है, इसका रीज़न कह रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। क्लास 11 पढ़ के आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर याद कीजिए, 1.7 to 1.8 मिलियन के आसपास। अब उसके बात करेंगे कि अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने सारे हैं दुनिया में, इनमें रिप्रोडक्शन मिलेंगे तो रिप्रोडक्शन सब में एक ही जैसा होगा? ना भैया, एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अपने कैरेक्टर को ऑब्टेन किए हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अपने कैरेक्टर को धारण किए हुए हैं। जिनका जैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिनका जैसा कैरेक्टर होगा, सेम उस टाइप के वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इसलिए आपको याद रहे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग रिप्रोडक्शन होता है। यस और नो बोलेंगे, यस और नो बोलिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको
समझ में आया तो धीरे धीरे आप सीरीज दर सीरीज चढ़ते चलेंगे और पूरा चैप्टर चुटकियों में कंप्लीट होगा। आपको अगर हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, यू कैन कॉल मी माई ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क टू मी। आइए बच्चों देखते हैं, मैंने बोला आपको कि रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के होते हैं, तो आखिर अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के किन किन चीज़ों पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस डिपेंड करता है? क्या उसके बॉडी पे डिपेंड करता है, क्या उसके रहने की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्या उसके खाने की क्वालिटी पे डिपेंड करता है? याद रखेंगे बच्चों, तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। रिप्रोडक्शन डिपेंड अपॉन पहला हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आखिर जो ऑर्गेनिज्म है उनका हैबिटेट कैसा है। दूसरा चीज ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्टाइल कैसा है, मतलब कि उनके इंटरनल फिजियोलॉजी कैसे हैं, ठीक है। दूसरा इंटरनल फिजियोलॉजी, ठीक है, इसको लाइफ स्टाइल भी कह सकते हो। फिजियोलॉजी बॉडी के अंदर की बनावट को कहते हैं, सॉरी अंदर के बॉडी का फंक्शन कैसा है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फंक्शन कैसा चल रहा है इसके बेसिस पर रिप्रोडक्शन होगा। इसके बाद तीसरे फैक्टर में हम अदर फैक्टर्स को ले लेते हैं कि अदर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इसमें इंक्लूड होंगे, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और भी कुछ कुछ चीज़ें आ जाएंगे जो रिप्रोडक्शन को वेरी अप कर सकता है, ठीक है। तो बॉडी का हैबिटेट कहाँ है, कैसा है, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि आखिर ये जो बॉडी हैं ये बॉडी के अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी कैसी है, और भी कुछ अदर फैक्टर्स के हैबिटेट के आसपास कुछ हो सकते हैं जिसके ऊपर ये बॉडी का रिप्रोडक्शन डिपेंड करेगा। और इन सब को देखते हुए अगर बात किया जाए कि रिप्रोडक्शन जो है वो कितने तरह के हैं, तो रिप्रोडक्शन मेनली दो तरह का मिला। एक रिप्रोडक्शन का टाइप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और दूसरे का टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ध्यान से समझेंगे, एक आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला और दूसरा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला। मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। असेक्सुअल, अ का मतलब होता है नॉट, अ का मतलब नॉट, और सेक्सुअल का मतलब होता है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, या बात करेंगे आप रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। और इसमें बात करेंगे सेक्सुअल मतलब कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सेल, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक ऐसा मोड, एक ऐसा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल जो हो वो क्या नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो, नहीं हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट हो तो उसको कैसा कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से समझेंगे, अ का मतलब नॉट, अ का मतलब नॉट, और सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या रिप्रोडक्टिव सेल। अगर रिप्रोडक्टिव सेल नहीं हो तो रिप्रोडक्शन कैसा कहलाएगा, असेक्सुअल कहलाएगा। अगर रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट हो तो रिप्रोडक्शन कैसा कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो मैं बातें कर रहा हूँ, इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि उस टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस या उस मोड का रिप्रोडक्शन जिस रिप्रोडक्शन के अंदर क्या नहीं हो, जिस रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट नहीं हो, गैमिट प्रेजेंट नहीं हो, और गैमिट प्रेजेंट नहीं होने के कारण क्या होता हो, रिप्रोडक्शन होता हो। तो ध्यान से समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं हम कि आखिर ये जो रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में बात करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे कंप्लीट हो रहा है। मतलब अब कंप्लीटली हम इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। छोटे छोटे टर्म में बात करते हैं, छोटा छोटा आप देखिए, 10-15 मिनट का देखिए और आप अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलिए। धीरे धीरे लेक्चर को कंटिन्यू बनाए रखिए, आपको समझ में आएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।